ओके, तो ये थर्ड पार्ट है फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स का। सो आज हम लोग पढ़ेंगे वीएस कोड और एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले वीएस कोड से। और अभी ओपन फोल्डर करते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं। पूरा लाइन ब्लू हो गया, राइट। इसका मतलब है कि ये वीएस कोड अब एक फोल्डर के अंदर ओपन हुआ है। सो अपन पहला एप्लीकेशन बनाते हैं आज। थोड़ा इंट्रोडक्शन, ये फाइल मैनेजर समझ लो, ठीक है, एक्सप्लोरर, और ये सर्च बार, और ये गिट की तरह काम करता है। लाइक अगर आपका कोई कोड गिटअप पे पड़ा है, उसको आपको एक्सेस करना है तो ये काम आता है। फिर ये रन और डिबग के लिए, और ये एक्सटेंशन। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करवाए थे, लाइक फ्लटर ये वाला, और ये वाला भी। सो ये प्लगइन्स के लिए काम आता है, और ये वाला ये टेस्टिंग के लिए काम आता है बेसिकली। सो फिलहाल हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम लोग इसमें ही जाएंगे और इसको बंद कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे टर्मिनल है, सो ये टर्मिनल को ओपन करेंगे हम लोग। सो अब मैं कमांड लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे फ्लटर एक कीवर्ड समझ लो, और क्रिएट एक कमांड है जो कि एक माय ऐप नाम का एप्लीकेशन बनाएगा। सो हम लोग फ्लटर को बोल रहे हैं एक माय ऐप नाम का एप्लीकेशन बना दो, ठीक है। इसे रन करते हैं। ड्राफ्ट फोल्डर में है हम लोग। सो अभी हमें माय एप्लीकेशन फोल्डर में जाना है। सो अभी सीडी माय माय ऐप, सो एंटर करेंगे और हम लोग इस फोल्डर में आ जाएंगे। सो यहाँ पे ये माय एप्लीकेशन आ चुका है। अभी इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सारा कोड लिख के आता है, सब कुछ यहाँ पे है। आप अभी चिंता मत कीजिए, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए लिब फोल्डर में। और वहाँ पे मेन डाट एक फाइल है। फ्लटर डार्ट लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो सो सारा कोड होगा वो डार्ट लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, ठीक है। सो एक बेसिक एप्लीकेशन बना के देता है हमें फ्लटर, ठीक है। उसको अभी रन करेंगे। रन करने से पहले अभी आपको एंड्रॉयड स्टूडियो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसको मिनिमाइज करते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे इसे, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन आएगा। सो एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम माय एप्लीकेशन रखता हूँ। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। सो अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है फ्लटर में, तो आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लाइक फ्लटर का प्लगइन आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फाइल में जाइए और सेटिंग में जाइए। सो यहाँ पे प्लगइन्स आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्लटर। सो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा।
यहाँ पे इंस्टॉल करने पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ और भी इंस्टॉल किया है, लाइक यहाँ पे ये तीन चीज़ें इंस्टॉल की है, आप भी इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। लाइक डार्ट वो भी चाहिए अपने को, और फ्लटर चाहिए, और फायरबेस भी चाहिए अपने को। सो आप ये तीनों इंस्टॉल कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सो आपका फ्लटर भी शुरू हो जाएगा इसके अंदर। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। लाइक अगर आपको रन करना है एप्लीकेशन तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी रहती है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे AVD मैनेजर है, उसको ओपन करते हैं। एक मोबाइल फ़ोन टाइप होता है, यहाँ पे दो मोबाइल फ़ोन मैंने इंस्टॉल किए। आप अपना भी वर्चुअल डिवाइस बना सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन मिल जाते हैं आपको, जो आपको पसंद हो। मैं पिक्सल यूज़ करता हूँ, गूगल पिक्सल मोबाइल, ठीक है। ठीक है, तो जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे लाइक क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे आपके कुछ वर्जन्स हो गए, लाइक एंड्रॉयड वर्जन, ओरियो, पाए, और डाउनलोड कर लीजिए और फिर वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे लिए, मेरे पास ये कुछ डाउनलोड है, तो मैं ओरियो पे क्लिक करता हूँ, एंड देन नेक्स्ट। सो यहाँ से आप अपना फ़ोन का ओरिएंटेशन चेक कर सकते हो, कोई भी लाइक लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, एंड देन फिनिश पे क्लिक करके आप अपना एक विजुअल डिवाइस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने पहले से दो बना रखे, तो मैं वापस नहीं बनाऊँगा। लाइक एक बात का ध्यान रखिए, लाइक यहाँ पे कुछ प्रोसेस रन होते रहते हैं बैकग्राउंड में, तो उनको पहले रन होने देने का। वो गिडल्स होते हैं बहुत सारे जो कि रन होते रहते ये वाले, ठीक है। सो थोड़ा आप पेशेंस रखिए, उनको रन होने दीजिए, और अपना इंटरनेट ऑलवेज ऑन रखिए यहाँ पे, ठीक है। इंस्टॉल करते टाइम और एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते टाइम आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो मेरा एमुलेटर चालू हो गया, सो अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो अभी ये एमुलेटर एक मोबाइल फ़ोन की तरह है, ठीक है। अभी VS कोड में जाएंगे और एक कमांड टाइप करेंगे, फ्लटर डॉक्टर। ये एक डॉक्टर की तरह है। सो फ्लटर डॉक्टर एक कमांड है जिसकी मदद से आप चेक करते हो कि आपके रिक्वायरमेंट सेटअपमेंट सेटिस्फाई है कि नहीं फ्लटर के सारे। सो अभी टाइप करेंगे फ्लटर रन। सो फ्लटर रन एक कमांड है जिसकी मदद से हम लोग हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन बन के तैयार है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस वन से इंक्रीज होगा ज़ीरो, ठीक है, लाइक दैट। सो वेल फ्लटर क्यों बेस्ट है? फ्लटर बेस्ट इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग हॉट रिलोड कर सकते हैं आर दबा के। लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्लू की जगह रेड डाल दूँ और कंट्रोल से एस कर दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ, और यहाँ पे आर क्लिक करूँ, सो ये रेड हो गया। और अगर मैं इसको जस्ट लाइक कर ऐसा कर दूँ, और अगर मैं यहाँ पे ग्रीन करता हूँ और सेव करके इसे वापस रिलोड करता हूँ, सो ये ग्रीन हो गया। सो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है। लाइक पूरा एप्लीकेशन लोड करने के बजाय आप सिर्फ वही लोड करते हैं जो आपने चेंजेस किया है, ठीक है। सो इतना ही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि यहाँ पे ये वर्ड मेन क्यों लिखा है, इंपोर्ट क्या है, लाइक ये विजिट क्या होता है, स्टेटलेस विजिट क्या होता है, स्टेटफुल विजिट क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे पूरा वन बाय वन। सो आई होप आपको समझ में आया हो। वन लास्ट थिंग आपको बताना रह गया, लास्ट वीडियो में बताया नहीं था मैंने। लाइक अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करोगे एमुलेटर की जगह पे तो फास्ट काम करेगा, ज़्यादा बेहतर काम करेगा। बहुत लोगों का पीसी इतना बेटर नहीं होता, इसलिए आप अपना
मोबाइल यूज़ कीजिए, उसमें डेवलपर ऑप्शन होता है, उसको एनेबल करने के बाद आप अपना मोबाइल में आप अपना एप्लीकेशन चला सकते हैं। हर मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन अलग अलग जगह पे होता है, सो मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ पे। सो आप गूगल पे सर्च कीजिए, लाइक मेरे पास इतने फ़ोन नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। सो और एक और बात है, लाइक अगर आपके पास मोबाइल नहीं है सो आप एमुलेटर यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आप टास्क मैनेजर में जाइए, और परफॉर्मेंस में जाइए, यहाँ पे मेरा एनेबल है, लेकिन आपका वर्चुअलाइजेशन कैसे एनेबल होता है वो हर एक लैपटॉप का अलग अलग होता है। सो आप अपने लैपटॉप का, लाइक मेरा HP का है सो मेरा कहीं और होता है, और डेल का अलग होता है। सो आप प्लीज़ अपना वर्चुअलाइजेशन कैसे ऑन करते हैं उसको आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। आई होप आपको समझा रहेगा, आपको पूरा समझाऊंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग लाइक फ्लैटर में क्या होता है, विजिट क्या होते हैं, किस टाइप के विजिट्स होते हैं, मैं और हम लोग कैसे कोड करते हैं, बहुत बेसिक भी जानेंगे डार्ट के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।